नमस्कार दोस्तों, अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं, प्रश्नावली 3, क्वेश्चन 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए और रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि हमें अंतःवृत्त बनाना है इसलिए हम थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसे नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। अब हमको पी और क्यू का अर्धक कोण खींचना है, जिसे कोणार्धक कहते हैं। तो कोणार्धक खींचने के लिए क्या करना, हमको बिंदु पी क्यू लेना है और क्यू से क्यू आर पर एक चाप खींचना है, और उसी तरह उसी चाप से बिंदु पी रेखा पी क्यू पर एक चाप खींचना है। बिना चेंज किए हुए त्रिज्या जो हमने पुराने चाप बनाए थे, उन दोनों चाप से एक एक चाप और खींचना है। ये एक बिंदु प्राप्त हुआ, ये कटान बिंदु मिला हमको, इसको और क्यू को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है। ये इस तरह। अब हमको यहां से P से इसी तरह से एक कोणार्धक खींचना है, तो पहले हम रेखा पी आर पर एक चाप खींचेंगे और उसी त्रिज्या से पी क्यू पर चाप खींचेंगे। जो पुराने चाप है उससे हम पुनः एक एक चाप खींचेंगे। ये इस तरह से जो बिंदु प्राप्त हुआ, इससे भी P से होते हुए हम मिला देंगे। इस तरह ये हमको दोनों का कटान बिंदु यहां प्राप्त होता है, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु O प्राप्त हुआ। इस O से हमको एक लंब खींचना है। लंब खींचने के लिए हम O से यहां से एक चाप लेते हैं, फिर ये जो दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं उससे भी हमने दो चाप ले लिए। ये इस तरह से ये O से हमको लंब मिल जाएगा, इसे मिला देते हैं। ये लंब हो गया और ये बिंदु मिला जिसे हम L नाम दे देते हैं, ये L। अब O और L की त्रिज्या लेते हैं हम, नाप की O L नाप की त्रिज्या लेते हैं और इसे मिलाते हुए एक वृत्त खींचते हैं इसी त्रिज्या का। ये एक वृत्त खींच गया, ये एक वृत्त हो गया जो कि हमको अंतःवृत्त प्राप्त हुआ है। इस तरह अंतःवृत्त प्राप्त हुआ। अब आप रचना लिख दीजिए। रचना के बाद समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, जिसमें कोण क्यू 90 अंश है, ठीक है, कोण पी 90 अंश है। अब कोण पी व क्यू के कोणार्धक खींचा। कोणार्धक खींचने के बाद जो बिंदु ओ पर काटता है, तीसरा पॉइंट लिख लिया, बिंदु O से PQ पर लंब खींचा OL। अब OL को त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर वृत्त बनाया, जो भुजा PQ PR और PQ PR और QR को स्पर्श करती है, अतः यही अभीष्ट अंतःवृत्त है तथा इस वृत्त की त्रिज्या नाप लेते हैं। ये O और L को नापना है हमको। ये हमको मिल रहा है, देखिए, 2 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया यहां पर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या चेंज हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी नाप का त्रिभुज ले सकते हैं, तो उस हिसाब से त्रिज्या भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से यह बन गया हमारा अंतःवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।